हिमाचल में बढ़ने लगे कोरोना मामले, सोमवार को दो की गई जान। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर उछाल मारने लगा है। 26 जुलाई शाम 7 बजे के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सोमवार को 139 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही दो लोगों की मौत हुई है। यह दो लोग चंबा और मंडी जिले के हैं, दोनों 70 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष थे। हिमाचल में अभी 858 एक्टिव केस हैं। मंडी में 34, चंबा में 33, शिमला में 19, कांगड़ा में 18, बिलासपुर में 14, कुल्लू में 7, हमीरपुर में 5, सिरमौर में 3, ऊना में 2, किन्नौर में 2, लाहौल स्पीति में 1 और सोलन में 1 कोरोना संक्रमित का मामला आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में चंबा में 40, मंडी में 24, शिमला में 17, बिलासपुर में 12, कांगड़ा में 11, ऊना में 7, सोलन में 4, हमीरपुर में 3 और कुल्लू में 2 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। अभी भी फंसे हैं 150 सैलानी, आसपास के 3 पंचायतों में बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला छितकुल मार्ग पर बीते रविवार को बटसेरी में पहाड़ी से दरकी चट्टानों की चपेट में आए पर्यटकों के शव पोस्टमार्टम के बाद हिमाचल भवन दिल्ली भेजे गए हैं। वहां आवासीय आयुक्त मृतकों के शव को उनके परिजनों को सौंपेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि 8 मृतकों के शव दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रबंध किया है। एक मृतक नेवी के लेफ्टिनेंट अमोच बापत का शव कड़छम स्थित सेना के अधिकारियों को सौंपा गया है। वहीं हादसे के बाद छितकुल और रक्षम में 150 सैलानी फंसे हुए हैं। छितकुल, रक्षम और बटसेरी पंचायतों में बिजली गुल है, जबकि सिंचाई योजना भी ठप पड़ी हुई है। सोमवार को SDM कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी स्वाति डोगरा ने घटनास्थल का दौरा किया। 1.5 करोड़ की लागत से बने 120 मीटर लंबे वैली ब्रिज की मरम्मत भी जल्द शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रविवार को हुए हादसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली के 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। गाड़ी पर गिरे पत्थर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 300 मीटर दौड़कर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में रविवार दोपहर 1 बजे पहाड़ी से गिरी चट्टाने पर्यटकों के वाहन से टकराई तो 2 पर्यटक छिटक कर बाहर गिर गए। इनमें से एक मोहाली के खड़ के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन भारद्वाज हैं। नवीन ने 300 मीटर भागकर जान बचाई। हादसे के बाद नवीन ने अपने पिता बलबीर सिंह से फ़ोन पर बात की। 37 साल के नवीन दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करते हैं। लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के चलते खरड़ में ही थे। इसमें ढील के बाद पहाड़ों में घूमने के शौकीन नवीन ने किन्नौर व लाहौल स्पीति जाने का प्रोग्राम बनाया था। पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारणों का पता लगाएगी चंडीगढ़ की टीम। जिला प्रशासन किन्नौर ने पहाड़ी में भूस्खलन होने के कारणों का पता लगाने और जांच करने के लिए चंडीगढ़ से जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बुलाई है। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जब तक लोक निर्माण विभाग से छितकुल सांगला संपर्क सड़क को लेकर क्लियरेंस नहीं मिलती है, तब तक पर्यटकों सहित अन्य लोगों के लिए सड़क पूरी तरह बंद रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि बटसेरी हादसे में मृतक 8 सैलानियों के शव दिल्ली भेजे गए हैं। बटसेरी के पहाड़ी में भूस्खलन होने के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम चंडीगढ़ से किन्नौर के लिए रवाना हो गई है। इस समय छितकुल और रक्षम के विभिन्न होटलों सहित होमस्टे में 60 पर्यटक हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किन्नौर जिले के सांगला घाटी में घटना बेहद दुखद है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मृतकों के परिवार को राहत के तौर पर 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने के लिए आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ घायलों के उपचार के लिए हर संभव कोशिश करने की बात कही। कहा कि सांगला घाटी में फंसे करीब 100 से 120 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की टीमें सेना के साथ बचाव कार्य में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से नदी और नालों के समीप नहीं जाने की अपील की गई है। 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार को राजधानी शिमला में दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। जिला कांगड़ा में रविवार देर रात से सोमवार सुबह करीब 11 बजे तक बारिश हुई। ब्रेक फेल, श्रद्धालुओं से भरी बस पहाड़ी से टकराई। भरवाई मुबारकपुर रोड पर सोमवार को भीषण हादसा होने से बच गया। किन्नू के पास श्रद्धालुओं से भरी बस को ड्राइवर ने सड़क के साथ लहासे पर दे मारा। इससे बस में बैठे सभी 50 यात्रियों की जान सकुशल बच गई। हादसा ऊना जिले का है। यह हादसा बस की ब्रेक फेल होने से हुआ। ड्राइवर की होशियारी से बड़ा हादसा टल गया। सोमवार दोपहर 2:30 बजे के करीब 50 श्रद्धालुओं की संगत चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेक कर बस से अमृतसर लौट रही थी। किन्नू के पास बस की ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया। ड्राइवर ने कुछ ही दूर पर बस को सड़क के किनारे कच्चे लहासे में दे मारा, जिससे सवारों की जान बच गई।
नहीं रुका आरएम का तबादला, हिमाचल में चलती रहेंगी बसें। क्षेत्रीय प्रबंधक के तबादले को लेकर शुरू हुई हड़ताल कर्मचारियों की मांगें सुलझाने के आश्वासन के बाद खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री ने सोमवार को ऊना में संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें क्षेत्रीय प्रबंधक का तबादला रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन तबादला रद्द करने से इनकार कर दिया। समिति के पदाधिकारियों को आरएम के तबादले को छोड़कर कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सम्मान पाकर छलके कारगिल शहीदों के परिजनों के आंसू, सीएम जयराम ठाकुर ने नवाजा। ऐतिहासिक गेयटी थिएटर शिमला में राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह पर देश की रक्षा में शहादत पाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। परिजन मंच पर सम्मान लेने पहुंचे तो उनकी आंखें भर आई। कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके घर का एक सदस्य देश के लिए कुर्बान हुआ है, लेकिन यादें जहन से नहीं मिटती हैं, इसलिए आंखें अक्सर भर आती हैं। जिला शिमला के 4 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद गनर यशवंत सिंह की माता बिमला देवी, ग्रेनेडियर नरेश कुमार की पत्नी शकुंतला देवी, ग्रेनेडियर अनंत नाम के भाई भीमी राम और राइफलमैन श्याम सिंह के भाई रमेश भिक्टा को स्मृति चिन्ह दिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बच्चों के साथ समोसा खाने गए थे, अंदर से निकली मरी हुई छिपकली। बच्चों के साथ दुकान पर समोसा खाने गए दंपति के समोसे से छिपकली निकलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में ऐसे मामले आम होने की भी चर्चा चल पड़ी है। घटना सोलन जिले के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार बद्दी साई मार्ग पर स्थित एक पुराने प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर एक दंपति अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने गए। जब प्लेट टेबल पर रखा गया तो समोसे से मरी हुई छिपकली निकली। गनीमत रही कि किसी ने खाया नहीं था। छिपकली देखते ही दंपति बिफर गया, संचालक से बहस होने लगी, जिसके बाद दुकान मालिक ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि कारीगर की गलती से ऐसा हुआ है, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में दर्जनों दुकानें ऐसी हैं जो खुले में खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री करती है। कई दुकानों में इस तरह की घटना होने की अक्सर चर्चा होती रहती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जाती है। पीड़ित दंपति ने मांग की है कि दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ दुकानदार घटिया क्वालिटी के उत्पाद बेचकर लाखों रुपए इकट्ठा कर लोगों की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। फेल हुआ कार का ब्रेक, पिकअप भी गिरी, 2 की गई जान, 3 जख्मी। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को एक बार फिर दुर्घटनाओं से जुड़ी ढेरों खबर सामने आ रही है। ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश की राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले चौपाल उपमंडल में 2 हादसे पेश आए, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक शख्स के घायल होने की भी सूचना मिली है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से एक हादसा खद्दर और दूसरा कलारा में पेश आया। पुलिस ने इन दोनों हादसों के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। वह मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पहला हादसा निर्वा से लगभग 2 किलोमीटर दूर कलारा के पास हुआ। यहाँ पर एक स्विफ्ट डीजल की दुर्घटनाग्रस्त होने में उसमें सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। यह गाड़ी कलारा से निर्वा जा रही थी और लिंक रोड में ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने गाड़ी को ढांग से टकराया। वहीं दूसरा हादसा चौपाल के खद्दर में हुआ। यहां पर एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।